नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुरुषोत्तम और आप देख रहे हैं YouTube चैनल अबाउट कोल्ड स्टोरेज इन हिंदी। दोस्तों, इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे डिलीवरी वाल्व रिचार्ज के बारे में। डिलीवरी वाल्व अगर लीक कर जाए तो पिस्टन और लाइनर में कई तरह के प्रॉब्लम आ सकते हैं, तो इसको कैसे ठीक करेंगे। जो डिलीवरी रिचार्ज वाल्व होता है उसको कैसे ठीक करेंगे अगर लीक हो जाए, तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन है उसे भी दबा दें, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों कि यह है डिलीवरी डिस्चार्ज वाल्व जो लीक है, तो इसको हम ठीक करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक सेंटर बोल्ट है और एक नट टाइट हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं नट टाइट है, तो इसमें एक पिन लगाया हुआ है, लॉक पिन जो है। तो सबसे पहले लॉक पिन को निकालेंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये निकल गया। अब इस नट को खोलेंगे। खोलने के दोस्तों 24 का पाना लगता है और इसको इस तरह करके मारेंगे तो खुल जाएगा। आप देख सकते हैं ये खुल गया, बड़ी आसानी से खुल जाता है दोस्तों। और ये जो सेंटर बोल्ट है इसको निकाल लेंगे। और आप देख सकते हैं कि ये जो है इसको स्ट्रोक लिमिटर बोलते हैं, आप देख सकते हैं। और ये जो है इसको स्प्रिंग वाल्व डिस्चार्ज बोलते हैं दोस्तों। और यहाँ जो है ये रिंग वाल्व डिस्चार्ज बोलते हैं। और उसी तरह ये भी है, इसको भी स्प्रिंग वाल्व डिस्चार्ज बोलते हैं। आप देख सकते हैं तीन तरह का आता है इस तरह, और तीन तरह का रिंग भी आता है, रिंग वाल्व डिस्चार्ज को बोलते हैं। तो ये तीन तरह का आता है और तीन तरह का इसका स्प्रिंग भी आता है। तो रिंग वाल्व डिस्चार्ज जो होता है, साइड में आप देख सकते हैं कट गया है चलते चलते ये, क्योंकि ये उठता बैठता रहता है अपने सीट पर, तो ये कट जाता है या टूट जाता है। और ये स्प्रिंग भी टूट सकता है और ये जो रिंग है ये भी टूट जाता है। और ये साइड में कट जाता है तो भी लीक करता है। तो सबसे पहले तो ये जो है इसको डिलीवरी रिचार्ज वाल्व सीट बोलते हैं। ये सीट आप देख सकते हैं कि ये सीट बना हुआ है, हर जितना होल है होल के साइड साइड में सीट है, आप देख सकते हैं। तो पहले तो इसको अच्छी तरह सफाई कर लेंगे, और ये जो है जो स्ट्रोक लिमिटर है इसको भी सफाई कर लेंगे। और सफाई करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये रिंग वाल्व डिस्चार्ज है, जो कि रिंग है ये, तो नया मैं लाया हूँ तो मैं यही बताऊंगा कि इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं। आप देख सकते हैं कि तीन तरह का है, तीन तरह का रिंग होगा और तीन तरह का स्प्रिंग होगा, आप देख सकते हैं। तो इसको आप ला कर इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये क्लस्कर का है सभी पार्ट्स, तो इसको हम इंस्टॉल करेंगे। तो चलिए पहले इसको सफाई कर लेते हैं, डिलीवरी डिस्चार्ज वाल्व सीट जो है इसको सफाई कर लेते हैं, और जो स्ट्रोक लिमिटर है इसको भी सफाई कर लेते हैं। चलिए इसको सफाई करते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों कि मैंने अच्छी तरह इसको सफाई कर लिया है, क्लीन कर लिया है, सीट जो है अच्छी तरह साफ हो गया है। मैं केरोसिन से थोड़ा भिगा कर इसको साफ कर लिया है दोनों साइड, और ये भी साफ मैंने कर लिया है अच्छी तरह, आप देख सकते हैं। अब इसमें ये जो रिंग है हम रिंग लगाएंगे। तीन तरह का रिंग वाल्व डिस्चार्ज आता है, आप देख सकते हैं। ये सबसे बड़ा है और उसके बाद ये छोटा और उसके बाद ये छोटा। उसी तरह ये स्प्रिंग है, जब भी आप डिलीवरी डिस्चार्ज वाल्व को खोलें तो देख लें कि ये जो रिंग है ये ख़राब है कि नहीं। अगर टूट गया होगा या ज़्यादा कट गया होगा साइड में तो इसको चेंज करेंगे। और जो
स्प्रिंग है, अगर ये नहीं टूटा होगा और ये ज़्यादा टेपर होगा, आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा टेढ़ा है, तो ये ठीक है। तो इसको अगर ये टूटा नहीं होगा तो आप यही लगा सकते हैं जो स्प्रिंग है वो। लेकिन जो रिंग होता है, जो वाल्व रिंग होता है, इसको आप चेंज कर दें। और स्प्रिंग अगर सही है, टूटा हुआ नहीं है, तो इसको लगा सकते हैं। तो मैं स्प्रिंग यही लगाऊंगा और जो रिंग है, जो रिंग डिस्चार्ज वाल्व है, इसको मैं नया लगाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, हम लगाते हैं इसको। सबसे पहले इसको कटिंग करके निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये नया इसको यहाँ फिट करेंगे इस तरह, इसको यहाँ लगाएंगे, इसको यहाँ लगा देंगे दोस्तों। अब जो ये स्प्रिंग है, आप देख सकते हैं, ये आपस में दोनों बिठा देंगे इस तरह, आप देख सकते हैं। इसको यहाँ इस तरह बड़े वाले जो रिंग है उसके ऊपर रखेंगे, उसी तरह दूसरे नंबर का जो है स्प्रिंग यहाँ पर रखेंगे इस तरह। ध्यान रहे कि इधर उधर ना हो, आपको दिखाऊंगा किस तरह ये बैठता है अपने सीट पर। आप देख सकते हैं, इसको भी इसी तरह बैठाएंगे, जो स्प्रिंग है दोनों आपस में चिपका लेंगे, इसको बैठाएंगे इस तरह। बड़ा ध्यान से इसको बिठाएंगे कि जो ये स्ट्रोक लिमिटर लगाए तो उसके खांचे में आ जाए बढ़िया से। अगर नहीं सही से बैठेगा तो लीक करेगा, तो इसको ध्यान पूर्वक लगाएं कि ताकि आगे जाकर लीक ना हो। ये सभी बराबर बैठा लेंगे अपने सीट पर, उसके बाद ही स्ट्रोक लिमिटर को लगाएंगे। अभी इस स्ट्रोक लिमिटर को लगाते हैं, देखते हैं। अब देख सकते हैं कि ये पूरी तरह बैठ गया है। अभी सेंटर बोल्ट को लगाएंगे और नॉट को टाइट करेंगे इस तरह। थोड़ा घुमा कर देख लेंगे सही से बैठा है कि नहीं। ठीक बैठ गया है, पूरी तरह कंप्लीट है ये। अगर आपको इधर उधर दिखता हो तो यहाँ से सीधा कर सकते हैं इस तरह, तो सब सही है। आप इधर से इस तरह करके देख सकते हैं, दबाकर सही है सब। सब रन करना चाहिए, हिलना चाहिए इसमें। अगर इधर उधर कहीं दबा होगा तो पता लग जाएगा इस तरह दबाने से, नहीं तो लीक कर सकता है। तो इसको इस तरह दबा कर देख लेंगे, सभी ठीक है। तो अब इसको टाइट करते हैं दोस्तों। टाइट करने के लिए उसी तरह इस तरह फिर लगाते हैं इसको। देख सकते हैं दोस्तों कि ये लग गया। अब इसको साइड में मोड़ लेंगे इस तरह, और इसको इधर मोड़ लेंगे इस तरह। आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये हो गया कंप्लीट। तो दोस्तों, इस तरह आप बड़ी आसानी से डिलीवरी डिस्चार्ज वाल्व को
जो लीकेज डिस्चार्ज वाल्व है उसको ठीक कर सकते हैं और कम लागत में इसको बना सकते हैं, इस तरह आप ठीक कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए दोस्तों इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।